हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब अड्डा में। दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी में पार्टिसिपेंट थे और आप भी आरआरबी पटना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस का इंतजार कर रहे थे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑफिशियल नोटिस क्या आई है आरआरबी पटना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो उसके लिए हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप जानते हैं, आरआरसी ईसीआर जो से ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वो पटना का कंडक्ट करवाया था उसने। देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईसीआर पटना। इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो नोटिस बोर्ड में आपको एक नोटिस मिलेगा जो कि 20/4/2019 को डाउन अपलोड किया गया है। और नोटिस किसके रिगार्डिंग है? डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर लेवल 1। ये 2018 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसके लिए ये नोटिस आई है। तो आइए नोटिस को देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ का कट ऑफ क्या गया, किन किन लोगों को बुलाया गया है, कितने पदों पर यह वैकेंसी थी, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं। और ये नोटिस खुल रही है, इस नोटिस में सारी डिटेल्स दी गई है कि किन किन कैंडिडेट्स को किस देश दिन पे आना है, क्या है। देख लीजिए, नोटिस खुल गई है आपके सामने है। पूर्व मध्य रेलवे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पटना के द्वारा, और ये वैकेंसी वही वैकेंसी है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। कैंडिडेट्स का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि सर पटना का कब तक आएगा, कोई डेट कब तक आएगी, तो उसका डेट आ चुका है। और देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इस सूचना के अंतर्गत जिन लोगों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दिया था, यहाँ पे बताया गया है इस सारी डिटेल्स की, कितने लोग सफल हुए हैं। कुल मिलाकर के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 11,671 अभ्यर्थी सफल हुए, उसमें से 4,255 अभ्यर्थी असफल हुए और 2,015 अभ्यर्थी ऐसे रहे जो एबसेंट रहे। इन्होंने इसका डिटेल यहाँ पे दिया है। उसके बाद में कहा है कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स थे उनके लिए भी हमने नोटिस जारी करी थी और वो कराया गया था। कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड अंक वो भी उपलब्ध है, वहां पे आप जाकर के देख लीजिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी थे उनको जिन जिन जिनको बुलाया गया है उनके बारे में इन्होंने सूचना दी है। लिख रहे हैं कि इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन सा अभ्यर्थिता मतलब जांच हेतु तो बुलाए गए अभ्यर्थी अंतिम रूप से योग्य पाए गए हैं, किनको कितना कितना बुलाया गया है। कह रहे हैं कि 5% अधिक अभ्यर्थी हम बुला रहे हैं सत्यापन के लिए। इस तरीके से 3,012 अभ्यर्थी अनारक्षित से, यूआर कैंडिडेट से, अन्य पिछड़ा वर्ग से 1,333 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति से 887, अनुसूचित जनजाति से 461, और भी ऐसे ऐसे वैकेंसीज आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के इन्होंने 6,227 लोगों को बुलाया है, उसमें से ये कह रहे हैं कि हम 5% अधिक मतलब 100 सीटों पे 105 लोगों को ये बुला रहे हैं। और कह रहे हैं कि एमडी कोटे में 55 रिक्तियां शेष रह गई हैं जिनको भी इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, इसमें जोड़ दिया गया है। और ये बता रहे हैं कि कितने लोगों की, यहाँ पे देख लीजिए मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, कि दस्तावेज सत्यापन हेतु कट ऑफ कितना गया है। जी हाँ, जिसका आप वेट कर रहे थे ईगरली, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, उसका कट ऑफ इन्होंने दिया है कि अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ जो गया है वो 82.14272, बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है, बहुत हाई कट ऑफ गया है। अगर आप चंडीगढ़ रीजन से, इलाहाबाद रीजन से इसकी तुलना करें तो बहुत हाई कट ऑफ है। ओबीसी का कट ऑफ गया है 78.57828, एससी के लिए 68.12513, उसके बाद में एसटी के लिए कट ऑफ देख लीजिए 65.1326। उसी तरीके से और भी कैटेगरीज का कट ऑफ गया है, तो ये आप देख लीजिए इतना हाई कट ऑफ गया है। आपको याद होगा कि जो सिकंदराबाद का, चंडीगढ़ का कट ऑफ था दोस्तों, वो 79 गया था जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ये देखिए 78 यहाँ ओबीसी कैंडिडेट्स का गया है। जो लोअर कट ऑफ गया है ये गया है 82। अभी तक जितने भी कट ऑफ जारी हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ यही के अभ्यर्थियों का गया है। तो उसमें अभी आगे सूचना देते हैं कि हमने 1.05 मतलब 100 पे 105 अभ्यर्थियों को बुलाया है। हालांकि वो किसी भी तरीके से इसी नोटिस को इन्होंने दोबारा यहाँ पे किया है, जारी किया है कि कितने कैंडिडेट्स को किस तरीके से बुलाया गया, इंग्लिश में दिया हुआ है। और ये बाद में लिख रहे हैं कि बाद में इन्होंने दिया है एनेक्सर वन करके कि जो 5% कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा थे उनको जोड़ करके जो कैंडिडेट्स है उनका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इस तरीके से इन्होंने पूरा एनेक्सर दिया हुआ है। तो अगर आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हो तो आप जा करके इस पर 37 पेजेस की लिस्ट है उसमें से अपना रोल नंबर खोज सकते हो।
और अगर आप इस कट ऑफ के बाहर हो तो इंतजार कर सकते हो सेकंड लिस्ट के लिए। कुल मिलाकर के इन्होंने जो लिस्ट जारी करी है उसमें इन्होंने 6,227 लोगों को बुलाया है। अगर इन 6,227 लोगों में आपका नाम नहीं है तो आपको इंतजार करना होगा अभी एक ऐसी लिस्ट के लिए जो बाद में आएगी, तो उसके लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी अगर इसमें पद खाली रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी थी आरआरबी पटना के लिए। ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, इन लोगों को आने से ये कह रहे हैं कि अपना एडमिट कार्ड यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे और डेट ऑफ बर्थ उनको डेट वगैरह सब देना होगा उसमें। फिर कह रहे हैं कैंडिडेट विल बी अपीयर्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन ऑन द बैक। कह रहे हैं कॉल लेटर के बैक पेज पे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जिसको देख करके आप आ जाए उस पे आएंगे। एंड द लिंक विल बी अवेलेबल ऑन RRCER फ्रॉम 21/4/2019, मतलब 21 अप्रैल से, यानी आज से किसी टाइम, आज 21 अप्रैल है तो आज ही से ये किसी न किसी टाइम पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए। अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी हमने देखा है, उसको चेक किया है, तो इसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग तैयार हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स फिट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आइए मैं दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे टोटल जिनको बुलाया गया है। तो ये देखिए सबसे लास्ट पेज पे हम पहुँच गए हैं और लास्ट पेज पर जा करके ये कैंडिडेट्स हैं, कुल मिलाकर के 37 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट की संख्या तो ऊपर ही दे दी गई है। तो ये जानकारी थी आरआरबी पटना के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों ये सूचना आप लोगों के लिए थी, और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और तैयार हो जाइए क्योंकि बस आज ही से इसका ई कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।